गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम ये द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल देखेंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको यहाँ से बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी ताकि आप अच्छे से इसको देख सकें। अगर मान लो आपको यूट्यूब पे अच्छा सा मतलब अच्छे की क्वालिटी नहीं रखेंगे तो वर्ड दिखने इम्पॉसिबल है, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी कंटेंट दिया उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप डायरेक्ट मेन्स आंसर राइटिंग स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बात की है ब्लरी लाइन, ब्लर होता है। जैसे अब मान लो ये मैं जूम आउट और जूम इन कर रहा हूँ तो क्या ब्लर हो रहा ना ये, तो इसको बोलते ब्लर, धुंधला, ब्लरी लाइन्स, धुंधली लाइन्स बिटवीन वाइल्ड लाइफ कैप्चर एंड रेस्क्यू। तो वाइल्ड लाइफ कैप्चर एक टर्म है और रेस्क्यू, रेस्क्यू बचाना, कैप्चर किसी को कब्जे में करना, पकड़ना, उन दोनों में डिफरेंस है। ये अनीसा अय्यर ने, ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं, कंजर्व करना होता है, प्रोटेक्ट करना, तो ये उसके फील्ड में काम करती है इसलिए आईएसटी लगा दिया, कंजर्वेशनिस्ट। इज कोऑर्डिनेटर भी हैं, कोऑर्डिनेटर मतलब एक कोऑर्डिनेट क्या होता है, सहयोग करके काम करने वाला, सहयोगी हैं। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस एट ए ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया। तो यहाँ पे इन्होंने बात की है, जैसे कुछ इस पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि जो रेस्क्यू की डेफिनेशन क्या है। इन्होंने कहा देखो रेस्क्यू, यहाँ पे जानते हैं रेस्क्यू, रेस्क्यू होता है किसी चीज़ को बचाना। इज डिफाइंड एज, उसको डिफाइन किया गया है, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पर आती है, पैसिव फॉर्म में आती है। तो रेस्क्यू इज डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ सेविंग और बींग सेव्ड फ्रॉम डेंजर और डिफिकल्टी। देखो सीखने के लिए बहुत ही अच्छी लाइन है, रेस्क्यू बचाना, इज डिफाइन, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पैसिव फॉर्म में आती है, इज मतलब इज डिफाइन किसके द्वारा, बाई सोएंस अथॉरिटी, तो इम्प्लिसिट होता है, अंतर नहीं होता है, उसको हम ऑटो में समझना पड़ता है। रेस्क्यू इज डिफाइंड एज एन एक्ट, एक एज एन एक्ट, इसको एज एक्ट क्रिया बताया गया है, ऑफ सेविंग बचाने की, और या बींग सेव्ड, बींग सेव्ड मतलब किसी के द्वारा सेव किया हुआ, बींग सेव्ड, दिस इज बींग डन बोलते हैं ना कि ये किसी के द्वारा किया गया, तो सेम ऐसे ही पैसिव फॉर्म में, बींग सेव्ड फ्रॉम डेंजर, खतरे से और डिफिकल्टी से। ऑन ए फंडामेंटल लेवल, अगर बेसिक लेवल पे बात करें, ऑन ए फंडामेंटल लेवल व्हेन इट कम्स टू द वाइल्ड लाइफ द टर्म रेस्क्यू कंज्योर्स अप ए सेंस ऑफ होप फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल। तो ये कह रहे हैं कि व्हेन इट कम्स, जब ये इस बात पे आता है, किस बात पे आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, जब इस बात पे आता है कि टू वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ पे आता है, तो द टर्म रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब कंज्योर्स, कंज्योर्स होता है मिलाना, कंज्योर्स अप ए सेंस ऑफ होप फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल, तो एक सेंस, एक फीलिंग है जो आशा की, सर्वाइवल ऑफ द एनिमल। तो द ड्रामा ऑफ ऑपरेशन एंड एडमायरेशन, ऑपरेशन जो काम करते हैं, ऑपरेट क्रिया करते हैं, एडमायरेशन किसी की प्रशंसा करना, फॉर द स्किल्स ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्डर, जो ह्यूमन रिस्पॉन्डर हैं, एंड एक्नोलेजमेंट ऑफ द स्ट्रगल ऑफ कोएग्जिस्टेंस, एक्नोलेज करना, किसी चीज़ को संज्ञान में लेना, मानना, ऑफ द स्ट्रगल, जो प्रयास होते हैं, संघर्ष होते हैं, ऑफ कोएग्जिस्टेंस, साथ में रहने के लिए। यहाँ पे ये बात कर रही हैं कि जो भी साथ में रहने के लिए, जैसे वाइल्ड लाइफ साथ में रहता है ह्यूमन बींग के, तो यहाँ पे जो मतलब दोनों चीज़ें अमालगमेशन है, कॉम्बिनेशन है, उनके में कैसे कैसे सामंजस्य बनाना है, स्ट्रगल क्या क्या रहते हैं दोनों चीज़ों को साथ में रखने पे। फिर यहाँ रेस्क्यू ऑफ स्नेक के बारे में बात करें, ये कर्नाटका के एक केस स्टडी दिया हुआ उन्होंने, जो इसमें मतलब दिया हुआ है, इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से यूज कर सकते हैं। आगे मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बताऊँगा, ईच एंड एवरी वर्ड लेके चलेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्वेश्चन बनता है कि डिफाइनिंग वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू की क्या डेफिनेशन रहेगी, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू रेफर्स किसके, रेफर्स का होता है संदर्भ, तो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू रेफर्स टू एक्शन, किससे रेफर्स टू, किसके संदर्भ में, एक्शन जो क्रियाएं होती है एम्ड एट सेफ गार्डिंग इंडिविजुअल एनिमल्स फेसिंग थ्रेट और डिफिकल्टी, जो फेस कर रहे हैं सेफ गार्ड, उनको एम्ड एट सेफ गार्डिंग, उनको बचाना, इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल एनिमल जो प्रत्येक एनिमल है, फेसिंग थ्रेट्स जो कि थ्रेट फेस कर रहा है, एंड डिफिकल्टीज यूजुअली कॉज बाय किसके द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटी और नेचुरल इवेंट्स के द्वारा, जिसको थ्रेट हो रहा है उनको बचाना ही वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू कहलाता है। रेस्क्यूज इन्वॉल्व केयरफुली प्लान्ड इंटरवेंशन, केयरफुली मतलब ध्यान सावधानी से, प्लान्ड इंटरवेंशन, प्लान्ड किए हुए इंटरवेंशन होता है हस्तक्षेप, कंडक्टेड बाय द ट्रेंड प्रोफेशनल, जो ट्रेंड प्रोफेशनल हैं, जो उस फील्ड में, वाइल्ड लाइफ के फील्ड में ट्रेंड हैं, वो बंदे प्लान्ड इंटरवेंशन करते हैं। हु प्रियोरिटाइज, ये देखो प्रोनाउन है हु, सवर्णनाम बोलते हैं इसको, प्रियोरिटाइज प्राथमिकता देते हैं द सेफ्टी एंड
वेलबींग ऑफ द टारगेटेड क्रिएचर्स, जो प्रायोरिटाइज देते हैं सेफ्टी को, सुरक्षा को, या उनकी वेलबींग अच्छे के लिए ऑफ टारगेटिंग क्रिएचर, जो पशु होते हैं, क्रिएचर्स होते हैं, जाति होती है उनके लिए। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके अपोजिट में, इन कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके अपोजिट में, जैसे बोलते हैं ना कि ये ड्रेस तो बहुत कॉन्ट्रास्ट में है, तो कॉन्ट्रास्ट कलर पहनते हैं बंदे, तो सेम अपोजिट में कैप्चर इम्प्लाइज, कैप्चर इम्प्लाइज, इम्प्लाइ का मतलब होता है अंतर्निहित, क्या इसका मतलब क्या होता है, कैप्चर का, कैप्चर होता है पकड़ना उसको, टेकिंग कंट्रोल ओवर एन एनिमल ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट द डैमेज और रिस्क पोज बाय द क्रिएचर्स बिहेवियर। तो यह क्या कह रहे हैं कि अपोजिट में कैप्चर का मतलब होता है इम्प्लाइज, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, यस। तो यहाँ पे टेकिंग कंट्रोल ओवर, कंट्रोल करना किसी चीज पे, एनिमल पे, ड्यू टू कंसर्न, चिंता किसके द्वारा, किसकी, किस लिए, चिंताओं के लिए, अबाउट डैमेज एंड रिस्क पोज बाय द क्रिएचर्स बिहेवियर, क्रिएचर की बिहेवियर उसके, तो एग्जांपल एंटरिंग अर्बन सेटिंग्स, या कोई अर्बन सेटिंग्स में घुस रहा है, जैसे हाथी है वो घुसने की कोशिश कर रहा है, तो उसको कैप्चर कर लेके कहीं और डिपोर्टेड कर दिया जाता है दूर जगह पर, डिस्टेंट प्लेस पे, एंड दैट कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एनिमल। कैप्चर मे समटाइम्स रिजल्ट इन रिलीजिंग ऑफ द एनिमल पैक, कैप्चर पकड़ना मे, देखो मे और माइट आपने बहुत सुना होगा, माइट होता है बिल्कुल ही लेस पॉसिबिलिटी होती है, बिल्कुल नेगलिजिबल टाइप में संभावना होती है, यहाँ पे 50% लगा सकते हैं संभावना होती है, तो कैप्चर में हो सकता है समटाइम्स रिजल्ट इन रिलीजिंग द एनिमल बैक इन टू द सुटेबल हैबिटेट्स, कई बार सुटेबल हैबिटेट में भी, उचित जो निवास स्थान पर भी उसको भेजा जा सकता है, इफ नो परमानेंट हार्म हैज अकर्ड, अगर कोई मतलब यदि कोई परमानेंट स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाया है तो हैज अकर्ड, तो उसको वापस से ऐसे जगह पे ले जाया जा सकता है जहाँ पे सेफ हो उसके लिए, हो सकता है, पर कई बार ऐसे होता है कि उनको ऐसे जगह पे छोड़ दिया जाता है, एंड दैट कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रिएचर्स, प्राणी और या एनिमल। इग्नोरिंग, सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है, इग्नोरिंग गाइडलाइंस रिगार्डिंग कैप्चरिंग वाइल्ड लाइफ, कैसे हो रही है, क्या क्या इग्नोरेंस हो रहा है वाइल्ड लाइफ को कैप्चर करने के द्वारा, डिसरिगार्डिंग मतलब सम्मान नहीं करना, डिसरिगार्ड करना, रिगार्ड होता है सम्मान, डिस अपोजिट हो गया उसका। रिकमेंडेशन, जो सिफारिश होती हैं फॉर कैप्चरिंग वाइल्ड लाइफ कैन एग्जास्परेट, कैन सकता है एग्जास्परेट, बढ़ा सकता है एग्जिस्टिंग इशू, जो फिलहाल हाल फिलहाल में मुद्दे हैं उनको बढ़ा सकता है, एंड जनरेट न्यू वंस, और कुछ नए मुद्दे भी लेके आ सकता है। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली क्या होता है, लास्टली, बिल्कुल फाइनल, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन डेट्रीमेंटल, खतरनाक इफेक्ट्स ऑन बोथ टारगेट एनिमल्स एंड अफेक्टेड कम्युनिटीज, जिसको टारगेट किया है उस एनिमल के लिए खतरनाक हो सकता है, और अफेक्टेड जो उससे इम्पैक्ट डलता है, जिन पे इफेक्ट बुरे प्रभाव डलते हैं, उन कम्युनिटीज़ के लिए, समुदाय के लिए हार्मफुल हो सकता है। एज स्टेटेड, जैसा कि बताया गया, एज स्टेटेड मतलब बताया गया इन द टेक्स्ट, पहले की टेक्स्ट में, इम्प्रॉपरली हैंडल रेस्क्यू, अगर मान लो प्रॉपर तरीके से, उचित तरीके से हैंडल ना करें सिचुएशन को, रेस्क्यू को, माइट, माइट देखो यहाँ पे मे का पास्ट फॉर्म की तरह यूज हुआ है, माइट मतलब फ्यूचर में हो सकता है, या मे के पास की तरह या फ्यूचर के लिए भी यूज होता है, ये मॉडल वर्ब है, तो ये माइट कम पॉसिबिलिटी है कि फिजिकली ट्रोमाटाइज, ट्रोमाटाइज का मतलब होता है ट्रोमा होता है पेन, तो दर्द दे सकता है डिस्ट्रेस एनिमल, या उनको स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है दबाव, डिस्ट्रेस मतलब उनको दबाव में डाल सकता है। रिड्यूसिंग देयर लाइवलीहुड्स, लाइवलीहुड क्या होता है, संभावना, रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है उनकी लाइवलीहुड ऑफ सर्वाइविंग, लाइवलीहुड ऑफ उनकी संभावना क्या ऑफ सर्वाइविंग, जैसे ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के हमेशा बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, तो लाइवलीहुड ऑफ सर्वाइविंग फॉलोइंग रिलीज अटेम्प्ट्स, फॉलोइंग किसके द्वारा, फॉलो मतलब फॉलो होता है बाद में, परसुएशन भी बोलते हैं उसके, परस्यू में, फॉलोइंग रिलीज अटेम्प्ट्स, जो रिलीज करने के अटेम्प्ट्स प्रयास के बाद, ये क्या होता है संभावना का भाई उनका खाने पीने का जुगाड़ नहीं बनेगा और डिस्ट्रेस में भी जा सकते हैं। मोर ओवर, इसके अलावा अनजस्टिफाइड रिमूवल, बिना जस्टिफाइड कोई, बिना मतलब आप कुछ को सब्सटांशिएट नहीं कर सकते अपने रिमूवल के, या इतना ग्रेविटी नहीं थी फिर भी आपने उसको निकाल के कहीं और डाल दिया, हाथी को डाल दिया या कोई वाइल्ड एनिमल किसी को भी वहां से निकाल के, उसके हैबिटेट है जहां पे वो रहना खुश पसंद करता है, उसको दूसरी जगह भेज दिया, रिमूवल कर दिया, तो फ्रॉम फैमिलियर लोकेशन, जहां की लोकेशन से वो फैमिलियर था, वो एक्वेंटेड था, उसको पहचान दी सभी जगह की, बट वो दूसरी जगह लेके चले गए, मे डिस्टर्ब मतलब फ्यूचर में डिस्टर्ब कर सकता है। इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, इको होता है जो इन्वायरमेंट होता है, इकोलॉजिकल, लॉजिक क्या होता है, स्टडी होता है, तो इकोलॉजिकल होता है जो आपस में सामंजस्य रहता है उसका, बैलेंसेज एंड ट्रिगरिंग एडिशनल इनकाउंटर्स, ये ट्रिगर क्या होता है, आगे इन्वोक करना, बढ़ाना किसी चीज़ को, रिवोक कर तो होता रद्द करना, इन्वोक होता बढ़ाना, ट्रिगर कर सकता है, बढ़ा सकता है, जैसे ट्रिगर होता है ना गन का, वो प्रमोट करता है। एडिशनल, उसके अलावा इनकाउंटर्स, इनकाउंटर्स होता है
जो होता है कन्फ्रंटेशन, एक दूसरे से झगड़ा, विद डिस्प्लेस्ड इंडिविजुअल, जो डिस्प्लेस्ड इंडिविजुअल हैं मतलब उनको जगह से शिफ्ट किया गया, डिस्प्लेस्ड प्लेस से अपने डिस किया हुआ है इंडिविजुअल्स को, कोई भी इंडिविजुअल क्रिएचर्स एंड देयर सक्सेसर या उनके जो प्रोजेनी हैं, बच्चे हैं, तो उनसे ये इशू हो सकता है आपस में, उसको ट्रिगरिंग कर सकता है उनके लिए, मतलब दे आर यर्निंग फॉर देयर लाइक पार्टनर और या देयर फोर फादर्स, पूर्वजों के लिए क्या होता है, हाथी का बच्चा तो भी हो सकता है ना, वो पूरा वाइल्ड हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है। पब्लिक ट्रस्ट, आदमियों का विश्वास है इन कंजर्वेशन प्रोग्राम टेंड्स टू, उसके क्या होता है, टेंड्स टू का मतलब होता है संभावना होती है डिमिनिश, कम कर देगा व्हेन कन्फ्रंटेड विद पुअरली एग्जीक्यूटेड इनिशिएटिव। बिल्कुल, इनको एग्जीक्यूशन क्या होता है, क्रियान्वयन करना, उनका इनिशिएटिव कम होते हैं, पुअरली एग्जीक्यूट किया गया तो इससे क्या होता है, आदमियों में विश्वास कम हो जाएगा और कन्फ्रंटेड सामना हो जाएगा। एंड दैट अपीयर आर्बिट्रेरी, जो दिखते हैं बिल्कुल विवादपूर्ण एंड मिसगाइडेड, बिना डायरेक्शन के गाइडेड। यहाँ पे बात की गई हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलोकेशन ऑफ स्नेक्स, रिलोकेटिंग, रिलोकेट को ना दोबारा से दर्शाना स्नेक्स को, सांप को, इन्वॉल्व्स मूविंग देम टू अल्टरनेटिव साइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल हैबिटेट। रिलोकेट करना सांप को, रिलोकेट करना, ये जैसे क्या हो सकता है, तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलोकेशन ऑफ स्नेक्स, स्नेक्स को आपको पता है मान लो आपके हैबिटेट एरिया के आसपास आ गया तो उसको रिलोकेट कर देते हैं। रिलोकेटिंग स्नैक्स इन्वॉल्व्स मूविंग देम टू अल्टरनेटिव साइट, कुछ अलग जगह पे, अल्टरनेटिव होता है उसके सब्सिट्यूट, अल्टरनेटिव जगह पे छोड़ देते हैं, डिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिनल हैबिटेट, जहाँ उसका वो लोकल लोकेलिटी थी उससे हम दूसरी जगह ले जाते हैं। एक्सपोजिंग देम, एक्सपोजर क्या होता है, उनका वहाँ पे हम खुला छोड़ देते हैं, एक्सपोज देम उनको कि टू नोवल, न्यू नोवल होता है न्यू इन्वायरमेंटल कंडीशन, नई इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है एंड डाइवर्स हैजार्ड, अलग अलग तरह के खतरे होते हैं। मोर्टेलिटी रेट्स मतलब मरने की दर अमंग ट्रांसलोकेटेड, ट्रांसलोकेटेड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिशन हो गया जिनका, सर्पेंट्स जो सर्प होते हैं, सांप, टेंड टू संभावना होते हैं इंक्रीज सब्सटेंशियली ओविंग टू वेरियस कॉजेज, तो उनकी मरने की संभावना ज़्यादा होती है ओइंग टू मतलब होने के नाते, वेरियस कॉजेज बिना बहुत सारे कारण होते हैं, ये बोलते हैं ना ओइंग टू सच डिजीज ही गोट डाइड, वो मर गया, सेम ऐसे ही उसकी वजह से वेरियस कॉजेज बहुत सारे कारणों की वजह से उनकी जो डेथ रेट बढ़ जाती है, सच एज एक्सपोजर टू एक्सट्रीम टेम्परेचर, मान लो ज़्यादा गर्मी जगह पे एक्सपोजर हो गया, एक्सपोज क्या होता है उसका खुला हो गया, ओपन हो गया, वल्नरेबल है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, या डिहाइड्रेशन का जहाँ पानी की कमी है, स्टारवेशन भूख से मर जाएगा, ससेप्टेबिलिटी होती है उसकी, वल्नरेबिलिटी बता देते हैं, संभावना शंका बढ़ा देते हैं डिजीज की, बीमारी लगने की, एंड अटैक्स बाय रेजिडेंट प्रीडेटर, जो वहाँ पे रेजिडेंट रह रहे हैं वो प्रीडेटर होता है शिकारियों के, मोर प्रोन टू द अटैक्स हो जाता है। फर्दर मोर इससे ज़्यादा अगर बात करें तो फाइंडिंग अप्रोप्रिएट फूड सोर्सेज, फाइंड करना अप्रोप्रिएट उचित जो फूड सोर्सेज हैं, एस्टैब्लिशिंग टेरिटोरीज, इवेडिंग एनिमीज, इवेडिंग होता है टालना, टाल मटोल करता जो एनिमीज को, शत्रु को टालने की कोशिश करता है। फर्दर मोर इसके अलावा फाइंडिंग अप्रोप्रिएट फूड सोर्सेज, उचित जो खाने के सोर्स हैं उसके वो खत्म हो जाएंगे, एस्टैब्लिशिंग टेरिटरी या कोई भी अपना घेरा बना के रहता है, टेरिटरी बना के रहता है वो खत्म हो जाएगा। इवेडिंग एनिमीज या एनिमी को डिस्गाइज करने के लिए, बहकाने के लिए वो अपना टेक्टिक्स अपनाते हैं वो खत्म हो जाएंगे, या रिप्रोडक्शन बिकम सिग्निफिकेंटली मोर डिफिकल्ट, रिप्रोडक्शन मतलब उनका कोई पार्टनर वहाँ पे नहीं होगा तो इट इज़ वेरी टिपिकल टू रिप्रोड्यूस एंड बहुत मुश्किल हो जाता है। वंस रिमूव फ्रॉम द फैमिलियर ग्राउंड्स, अगर फैमिलियर ग्राउंड्स उनको रिमूव कर दिया जाता तो आगे उनकी लीनेज नहीं बढ़ती है। कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप रिलोकेटेड, कंसिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप रिलोकेटेड स्नैक्स ऑफन प्राय सफर ड्रास्टिकली डिक्रीज फिटनेस, ड्रास्टिकली बिल्कुल एकदम वाटर शेड मोमेंट मतलब बिल्कुल होलसम चेंज, डिक्रीज कम कर देता फिटनेस लेवल्स उनका एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू डिक्लाइन इन द ओवरऑल पॉपुलेशन हेल्थ, तो इससे क्या होता है उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है इस जो पैराग्राफ में, कि प्रोएक्टिव, प्रो क्या होता है मतलब एडवांस, एक्टिव से भी ज़्यादा, मिटिगेशन कम करने की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, प्रोएक्टिव मिटिगेशन स्ट्रेटजी कम करने की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। इनकम्पासिस, इनकम्पासिस का मतलब इसमें सम्मिलित है, तो इंग्लिश कैसे आपकी सुधरेगी, बोलने में कैसा है, जैसे मान लो किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं कि इसमें क्या क्या सम्मिलित है, जैसे आप कोई खाना खा रहे हो दैट माई जो पैलेट है, माई पैलेट इज हैविंग सेवरल, और या कह सकते हैं इज हैविंग की जगह इनकम्पासिस सेवरल डेजर्ट्स खाने के लिए, तो ऐसे बना सकते हैं इंग्लिश। तो प्रोएक्टिव मिटिगेशन स्ट्रेटजी इनकम्पासिस वेरियस टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक डिजाइन टू प्रीक्लूड एडवर्स आउटकम, प्रीक्लूड होता है किसी चीज़ को मतलब हटाना, उसको एडवर्सिटी को कम करना, प्रीक्लूड कम करना एडवर्स आउटकम्स, एडवर्स होता है अपोजिट रिजल्ट, आउटकम रिजल्ट डिराइव्ड फ्रॉम द ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट,
तो उनको कम करने के लिए किया जा सकता है स्ट्रेटजी, वेरियस टेक्निक्स की जा सकती हैं उनको कम करने के लिए, एडवर्स आउटकम डिराइव फ्रॉम दी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से जो होती हैं कॉन्टैक्ट से। अर्ली वार्निंग सिस्टम, पहले से ही वार्निंग दे दो, रेफर्स टू दी मैकेनिज्म, ऐसे मैकेनिज्म बोलते हैं उनको दैट डिटेक्ट नियर बाई वाइल्ड लाइफ मूवमेंट्स यूजिंग सेंसर, सेंसर के द्वारा पता चल जाएगा कि ये एनिमल आ गया तो उसको किया जा सकता है, कैमरा से पता चल सकता है, एकोस्टिक डिवाइसेस या साउंड से, जो एकोस्टिक क्या होता है साउंड, साउंड अलर्ट मिल जाएगा अलर्टिंग रेजिडेंट ऑफ अपकमिंग एनकाउंटर, मान लो कोई एनिमल आ गया पता चल जाएगा कैमरे से सेंसर से तो उसको अवर्ट किया जा सकता है। रेगुलर मॉनिटरिंग इंटेल्स, रेगुलर मॉनिटरिंग, रेगुलर उसको कैमरे से मॉनिटर करते रहना, देखते रहना इंटेल्स, इंटेल्स का मतलब होता है हकदार बना देता है, बोलते हैं ना कि क्या एंटाइटलमेंट है आपका, सेम ऐसे ही क्या चीज़ के लिए हकदार हैं आप, या इंटेल्स या ये कंपलसरी कर देता है या मैंडेट कर सकता है। पीरियोडिक असेसमेंट, हर तरह पे टाइम टाइम टू बेसिस पे असेसमेंट करते रहो। स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीसीज होता है प्रजातियों का डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक जगह से क्या क्या लोकेशन, अपंडेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, एंड बिहेवियर टू आइडेंटिफाई, या बिहेवियर्स आदमियों के जो विचार हैं आइडेंटिफाई करना, एमर्जिंग ट्रेंड्स, एमर्जिंग जो उभर के आ रहे हैं ट्रेंड्स तरीके, एंड अडोप्टिवली अडॉप्ट करना अपनाना, मैनेज एसोसिएटेड इम्पैक्ट्स और एसोसिएटेड इम्पैक्ट्स उसके साथ जुड़े हुए, एसोसिएटेड होता है उसके साथ जुड़े हुए प्रभाव। फेंसिंग, फेंसिंग वायर लगाना, लाइटिंग इम्प्रूवमेंट्स कंट्रीब्यूट टू कीपिंग एनिमल एट बे, तो फेंसिंग लगाना, वायर लगाना, लाइटनिंग, लाइटनिंग इम्प्रूवमेंट करना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, श्रेय दे सकता है टू कीपिंग एनिमल, एनिमल को रख सकता है एट बे उस उनके एरिया में, बे मतलब उनका पर्टिकुलर प्लेस, वाइल इन्हांसिंग सिक्योरिटी पैरामीटर, हम इन्हांस करना बढ़ाना सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए पैरामीटर्स जो होते हैं बाउंड्री अराउंड दी वल्नरेबल सेटलमेंट, जहाँ पे आदमी रहते हैं उनके पैरामीटर अच्छी कर देंगे ना तो ऑटोमेटिकली पता नहीं चलेगा वो कि वो हैं यहाँ पे। पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक आदमी को एजुकेट कर सकते हैं, फोस्टर मजबूत करता है अवेयरनेस को, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजनल फोना, तो अंडरस्टैंड समझना रीजनल फोना को, फोना मतलब क्या होता है वहाँ के जैसे एनिमल्स को बोलते हैं, और फ्लोरा होता है पेड़ पौधे होते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग समझना रीजनल फोना को, एंड प्रमोटिंग, प्रमोट करना बढ़ाना रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, एटीट्यूड आदमियों का विचारधारा टुवर्ड्स की तरफ नेटिव स्पीसीज जो कि वहाँ की लोकल नेटिव इंडिजिनियस स्पीसीज हैं प्रजातियाँ हैं, एंड मिनिमाइजिंग इंटरनेशनल हार्म इन्फेक्शन, इन्फ्लिक्ट करना किसी को बुरा प्रभाव डालना तो मिनिमाइज कर सकता है, इंटेंशनल जो जानबूझ करके होते ना इंटेंशनल हार्म पहुँचाना नुकसान प्रभाव। इम्प्रूवड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट का भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्योंकि मान लो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको आप वहाँ पर डंप करते हो तो दैट्स वाई लाइक दे आर इन्वाइटिंग दी एनिमल्स ओवर देयर एंड इट कैन लीड टू दी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी ह्यूमन बींग एंड द एनिमल, तो वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं, हेल्प कर सकता है एलिमिनेट घटाने के लिए, कम करने के लिए हटाना। अट्रैक्टिव ओडोर क्यूज, अट्रैक्टिव होता है बिल्कुल आकर्षक, ओडोर क्यूज, ओडोर होता है गंध क्यूज, उससे गंध से संकेत मिलते हैं ना उनको, तो उसको एलिमिनेट कर सकता है। दैट ल्योर सर्टेन स्कैवेंजिंग एनिमल्स, स्कैवेंजिंग जो कूड़े पे खाते हैं, जो सड़ा हुआ खाते हैं, क्लोजर टू इनहेबिटेड एरिया जहाँ पे आदमी रहते हैं वहाँ पे आ जाते हैं। तो दस इस प्रकार अवॉइडिंग अनवांटेड विजिट्स, वहाँ अवॉइड कर सकते हैं, बचा सकते हैं अनवांटेड जो हम चाहते नहीं विजिट यात्राएं या वोएज। ऑल दीज स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी जो रणनीतियाँ हैं कलेक्टिवली फोस्टर, मजबूत कर सकते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सब चीज़ों का एग्जिस्टेंस बिटवीन दी एंथ्रोपोजेनिक, बिटवीन किस किस के बीच, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन के द्वारा जो एक्टिविटी होती है लैंडस्केप्स एरिया एंड सराउंडिंग नेचर और उसके आसपास के एरिया में। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल से। आज के लिए इतना ही, शेयर जरूर कर देना, मैंने A to Z वर्ड आपको समझाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच, बाय।